उधर जालौर के जैतपुरा बांध के पास मुख्य पुलिया एक साल से टूटी हुई है, जिसे अभी तक ठीक नहीं कराया गया। अब आवागमन के लिए बांध के वेग में कच्चा रास्ता बनाया गया है, जिसमें बारिश के दिनों में पानी भरने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाएगा और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक आवागमन के लिए कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे संवाददाता लूणा राम दर्जी ने। बांध के पास जो पुलिया है वो बाढ़ में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और आवागमन के लिए प्रशासन की ओर से एक पास में कच्चा रास्ता बनाया गया। आज भी उसी कच्चे रास्ते से आवागमन हो रहा है। अभी तक पुलिये की मरम्मत कार्य नहीं हो पाया है, पुलिये का निर्माण भी नहीं हो पाया है। अभी हम मौके पर मौजूद हैं, यहाँ के आप हालात देख रहे हैं। ये वो पुलिया था और सामने जैतपुरा बांध है। जैतपुरा बांध में तेज गति से पानी का वेग बाढ़ में आने के कारण आगे का पुलिये का हिस्सा था वो पूरा का पूरा पानी में बह गया, आवागमन पूरी तरह ठप हो गया था। और हम पुलिये के नीचे खड़े हैं जहाँ पर कच्चा रास्ता है, जहाँ से आवागमन अभी अस्थायी रूप से चल रहा है, लेकिन अभी तक पुलिये का निर्माण नहीं हो पाया और कटान इतना बड़ा था कि इस कटान को अभी तक भर भी नहीं पाए हैं। और अब बारिश के आगे दिन भी आने शुरू हो गए हैं, तो बारिश शुरू होने से ये रास्ता वापस बंद होने की कगार पर हो जाएगा, आवागमन बाधित होगा और इससे भारी परेशानी लोगों को भुगतनी पड़ेगी। और अब दाती महाराज पर दुष्कर्म मामले से जुड़ी एक